हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम आए हैं सोलन में, मेरे साथ है जस्सी। तो अभी हम हैं जटोली टेंपल में, तो आपको दिखाते हैं टेंपल कैसा है। ये है सोलन से, मेन मार्केट से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी आपको पूरा ये मंदिर के दर्शन कराएंगे। जटोली महादेव का मंदिर है ये। ये सामने देख सकते हैं आप, ये है मेन एंट्रेंस मंदिर का, जटोली महादेव का मंदिर है ये। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मंदिर को बनाने में एक्चुअली लग गए थे 12 साल। और ये मंदिर है ना 16 से 10 किलोमीटर आगे है। और ये मंदिर का एक बार मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ घुमा के, मतलब सारा कुछ। ये मंदिर जो इसका कॉन्सेप्ट जो बना था ना, ये साउथ के मंदिर पे बेस पे होना था, जैसे साउथ में मंदिर होते हैं उसके बेस पे बना था। मेन मंदिर है वो वाला है, वो अभी तक हम अंदर गए नहीं है। मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करवाता हूँ और सारा दिखा देते हैं आपको। गाइस, ये चंडीगढ़ से करीबन पड़ता है। अगर कोई ये ब्लॉग देख के अगर चंडीगढ़ से आना चाहेगा तो चंडीगढ़ से आई थिंक ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली। और हम लोग निकले थे आज दोपहर को 12 बजे के अराउंड, 3:30 तक हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हमने अपना होटल रूम में स्टे किया, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। और गाइस, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई बाइक पे आएगा ना तो हेलमेट ज़रूर लगा के आना, नहीं तो चलान हो जाएगा, क्योंकि हमारा अभी हो चुका है चलान, अभी ऑनलाइन आएगा। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, अंदर के व्यूज़ दिखाते हैं आपको। आ जाओ, स्टार्ट है। पहले इधर चलिए, इधर चलिए। तो गाइस, इस तरह के यहाँ पे मंदिर है। एक मंदिर ये है फर्स्ट वाला, यहाँ पे आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से व्यूज दिखा देते हैं हम। आ जाओ, मंदिर में आके माइंड को इतना रिलैक्समेंट मिल रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब ऑफिस को रिलेटेड इश्यूज से थोड़ा अपसेट था, लेकिन यहाँ आके सच में अब इतना अच्छा लग रहा है, एक सुकून मिल रहा है यहाँ के। गाइस, अभी हम मंदिर के अंदर जाने लगे हैं, लेकिन अंदर कैमरा नॉट अलाउड है, तो हम कैमरा बाहर ही छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको यहीं से दर्शन करा देते हैं मंदिर के, देख लीजिए। और गाइस, ये मंदिर है 49 साल पुराना, हिंदी में कहते हैं 49 साल पुराना मंदिर है ये। मंदिर का नाम जटोली महादेव मंदिर है। और यहाँ नंदी की मूर्ति भी है बाहर, इतनी सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब, कभी टाइम मिले कोशिश, अगर कोई ये हमारा व्लॉग देख के आने का कोई प्लान करेगा ना, ये तो कसौली से थोड़ा सा आगे है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 100-150 किलोमीटर पड़ जाता है। और अप्रैल के मंथ में आना, क्योंकि अप्रैल के मंथ में भी यहाँ इतनी ज़्यादा धूप या गर्मी नहीं होती। मैं आपको हमारा व्यू दिखाता हूँ, हम ये बाइक पे आए थे, हमारी बाइक वहाँ पे नीचे खड़ी है, बाइक दिखा दो हरीश भाई। और यहाँ पे देखो यार, कितना अच्छा है, मतलब यहाँ से हमको तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा। हमारे पास ओनली 2 ही दिन का टाइम है, लेकिन मन तो कर रहा है कि यहाँ 1 मंथ तक रुक जाऊँ। और आगे मंदिर से आगे जाने के बाद मैं आपको यहाँ के मार्केट की भी वीडियो दिखाऊंगा, मार्केट की भी। गाइस, यहाँ बहुत अच्छी मार्केट है बाहर। गाइस, आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम अंदर मत्था टेकने जाओगे ना, तो आपको मत्था टेकने के बाद प्रसाद भी देंगे। अरे जी, प्रसाद में क्या देंगे? गाइस, सोलन इतना अच्छा है यहाँ के, इतना अच्छा लग रहा है कि लोग इतने अच्छे, बस यहाँ के पुलिस वालों को इतना गुस्सा आ रहा है, जिन्होंने हमारा चला किया जाते का बहुत गुस्सा आ रहा जाते हो आके। मालूम है
जटोली शिव मंदिर साउथ के कारीगरों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर आपको साउथ के मंदिरों की तरह दिखाई देगा। 1950 के दशक में यहाँ पे महात्मा आए थे जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद परमानंद जी। उस टाइम जटोली में काफ़ी ज़्यादा पानी की दिक्कत थी, तो सभी लोगों ने उनको पानी की दिक्कत के बारे में बताया था, तो तभी उन्होंने त्रिशूल का प्रहार से पानी का स्रोत यहाँ पे निकाला था। अगर आप नाइट में आते हैं तो यहाँ पे आप आरती भी देख सकते हैं जटोली महादेव मंदिर की। तो अभी आपको दिखाते हैं महादेव मंदिर की शाम की आरती। इसलिए इसमें डाल रहा हूँ कि इसमें से तो नहीं करेगी क्यों।